माउंट आबू में तापमान में 2 डिग्री का सुधार होने से लोगों को राहत मिली। वहीं अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर पर तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें आज से माउंट आबू में शरद महोत्सव की शुरुआत होगी। यह महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। महोत्सव की शुरुआत सुबह 10 बजे शोभा यात्रा के साथ होगी और इसको लेकर हमारे संवाददाता अनिल एरन की रिपोर्ट देखिए। माउंट आबू का आज तापमान में 2 डिग्री का सुधार हुआ। जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों से 2-2 डिग्री का सुधार चल रहा है, माउंट आबू का आज तापमान 4 पे है। अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर की बात की जाए तो माउंट आबू का तापमान 1 डिग्री पर है। लेकिन माउंट आबू में आने वाले पर्यटकों का मजा दुगना है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन तक माउंट आबू का शरद महोत्सव मनाया जाएगा और जिस प्रकार से पर्यटक आएंगे वो माउंट आबू के कहीं ना कहीं नए साल का आनंद लेने आए। माउंट आबू में आप बताइए कि किस प्रकार से जो है मौसम का मिजाज ठंडा है लेकिन लोगों का मजा घूमने है। जी बिल्कुल, हम तो माउंट आबू घूमने आए थे। ठंड में बहुत प्लेजेंट वेदर है और बहुत ही सुहावना टाइप का लगता है। लेक व्यू भी है यहाँ पे, तो शावर के साथ बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही ठंडा है, इधर मेरी बेटी को लेके आए उसे भी बहुत अच्छा लगा। हम तो दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में तो इससे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बहुत प्लेजेंट है। ओपन एयर है, नेचुरल एयर है, अच्छे मौसम के साथ हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छे मौसम के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप दिल्ली से आए, दिल्ली में कोहरा आदि होता है लेकिन माउंट आबू में कोहरा आदि नहीं है, लेकिन ठंड का कहीं ना कहीं मजा दिखना है। प्लेजेंट वेदर है और स्काई इज क्लियर, यहाँ पे कोई विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है और सन इज वेरी क्लियर। जैसे ही सन आते हैं तो आपको ठंड कम हो जाती है, फिर मज़ा अच्छा हो जाता है। तो उस हिसाब से बहुत ही सुहावना वेदर है, लोगों को आना चाहिए और हम तो बहुत मजे कर रहे हैं। हम तो बहुत मजे कर रहे हैं और लोगों को आना चाहिए, यही कहना है यहाँ पे आए पर्यटकों का। कैमरा पर्सन करण के साथ अनिल एरन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू से। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।